शिक्षा जगत को लेकर योगी सरकार के वादे हुए खोखले। जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिक्षा को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर ये बातें वादे ही बनकर रह जाते हैं। यदि जमीनी हकीकत देखी जाए तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेजने की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत नगला माड़ा में, जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कुल 12 बच्चों का एडमिशन है, मगर 12 बच्चों पर 4 अध्यापक एवं 2 आंगनबाड़ी तैनात की हुई है, जिनकी तनख्वाह अगर देखी जाए तो करीब 2 से 3 लाख हो जाती है। वह भी समय में स्कूल नहीं पहुँचते, अगर पहुँच जाए तो वह अपने प्राइवेट कार्य करने के लिए कहीं और चले जाते हैं। इसका खुलासा जब हुआ कब मीडिया की टीम वहां के प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल के ताले खोलने के इंतजार में गेट पर खड़े हुए नजर आए। हम आपको ये भी बता दें कि वह समय करीब 9:30 बजे से ऊपर हो रहा था, जबकि सभी स्कूलों का टाइम 9 बजे से 3 बजे तक होता है, मगर स्कूल स्टाफ की चलती मनमानी के कारण कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। गौर देने वाली बात यह है कि सरपंच ग्राम मिश्र जिला अधिकारी महोदय पर विभागों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नजर आते हैं, मगर शिक्षा विभाग में क्यों नहीं है जिला अधिकारी महोदय का कोई ध्यान, ये तो एक जांच का विषय है। अब देखना यह है इन अधिकारियों के ऊपर प्रशासन क्या कोई कार्रवाई कर पाएगा या फिर यूं ही राजस्व की हानि होती रहेगी। अच्छा, यहाँ आपके पास में नजदीक में सरकारी विद्यालय है, कितने बजे खुलता है? 10 बजे 10 बजे खुलता है, 2 या 10 बजे खुलता है। और बच्चों को कितने बजे बुलाया जाता है? बच्चे तो आएंगे जी, बच्चे 2-3। अच्छा, कितने मास्टर पढ़ाते हैं बाबू जी इसमें? 2-3 है। 3 है। 10 बजे आते हैं वो भी 10 बजे। टोटल बच्चे कितने होंगे स्कूल पढ़ने वाले? 5 है। 5 सब वाले मुश्किल बेटा। जो सामान वहाँ सरकार की तरफ से आता है वो क्या आपको मिलता है? मिलता है पर फलों को तो आप ये खा जाते हैं। फलों को खा जाते हैं? हाँ, और कल फल आए थे, नहीं आए वो, फिर हमको तो दी नहीं। आपको नहीं देते हैं सामान? क्या क्या खिलाते हैं आपको? आपको रोटी और दाल बस। हाँ, खिचड़ी दाल और रोटी आती है। बेटा, कितने बच्चों को खिलाया जाता है जो खाना आता है? कितने बच्चों को खिलाया जाता है? 5-6 बच्चों को ही खिलाया जाता है। आता कितना होगा? क्या नाम है आपका? भेद सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? माड़ा चौथई। जैसा कि यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, इस विद्यालय के अंदर पहले हम आए थे तो यहाँ ताले बंद पाए गए थे 9:30 बजे के समथिंग। बच्चों ने बताया कि 10 बजे ये स्कूल खुलता है। अच्छा। और जब हम दोबारा आए तो यहाँ टीचर कोई नहीं था, और बच्चे यहाँ खेलते हुए नजर आए। कुल 4 बच्चे हैं इस पूरे स्कूल में? एक भी मास्टर नहीं है सर। क्या कारण है? कारण ये भी आते नहीं है सर, पढ़ावे भी तनख्वाह मतलब है और कहते मतलब है। कितने लोग हैं इसमें टोटल? टोटल इसमें 4 लोग हैं। 4 टीचर है और 2 आंगनबाड़ी वाली हैं। 6 लोग हैं टोटल हैं। 6 लोग हैं सरकार। तो इसमें कोई नहीं आता? कोई नहीं आता सर, मैंने कहा तो कोई नहीं। क्या इसकी शिकायत आपने पूर्व में भी अधिकारियों से की है? हाँ, प्रधान जी थे, कई प्रधान जी ने कहला देखेंगे, फिर हम गोवर्धन पे बैठते हैं, मैंने जोर गए आंगनबाड़ी वाड़ी निकले के मन कह रहे बाबा तुम काय भी इसको परेशान करते हैं। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? कोई एक्शन ना लिया।